بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. صدق الله العظيم. اور اطاعت کرو اللہ کی اور رسول کی تاکہ تم پر رحم کیا جائے، اور دوڑو مغفرت کی طرف اپنے پروردگار کی اور جنت کی طرف جس کا عرض ہے آسمان اور زمین. تیار ہوئی پرہیزگاروں کے لیے. سورہ آل عمران کی یہ دو آیتیں 132 اور 133. تلاوت اور ترجمہ آپ سن رہے تھے. ہمارا یہ تربیتی سلسلہ چل رہا ہے. اس سے پہلے کی آیت میں ہم نے سود کی حرمت سے متعلق تفصیل دیکھی ہے. ایک مضمون جو تقوی کے عنوان کے تحت واضح کیا گیا کہ رب کائنات نے جہاں انسانوں کی رہنمائی کے لیے اپنے مضامین ارشاد فرمائے ہیں، جہاں پر انسانوں کے لیے قوانین وضع کیے گئے، ان کو ضابطہ دیا گیا، تو آگے پیچھے آپ دیکھیے کہ تقوی کا ضرور ذکر ملتا ہے. کہیں پر اقامت صلاۃ کا بھی ذکر ملتا ہے. اقامت صلاۃ اور اتقوا اللہ، اس کی تکرار اس بات کی علامت ہے کہ تم اللہ سے اپنے تعلق کو مضبوط کرو، اللہ سے ڈرو، اس کی نافرمانی سے بچو. یہ جو احکام بیان کیے جا رہے ہیں اس پر عمل آوری کے لیے یہ دو چیزیں بطور خاص نہایت ضروری ہیں کہ آپ اقامت صلاۃ کریں اور تقوی کی روش اختیار کریں. آپ دیکھیے دو مرتبہ اس کو ایک ہی آیت میں، بلکہ دونوں آیتوں میں ایک ایک مرتبہ اس کا ذکر ہے. وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. اگر تم بامراد ہونا چاہتے ہو، اگر تم فلاح کے طالب ہو، اگر تم کامیاب ہونا چاہتے ہو، اگر تم کامیاب زندگی بسر کرنا چاہتے ہو، تو اس کی نافرمانی سے بچو، پرہیزگاری اختیار کرو، محتاط رہو، محتاط زندگی بسر کرو، احتیاط سے ہر عمل کرو، سوچ سمجھ کر قدم اٹھاؤ. عام زبان میں جس کو پھونک پھونک کر قدم اٹھانا کہتے ہیں، یہ دیکھو، یہ سوچو کہ میرا یہ قدم کہیں کوئی غلط طریقے پر، کوئی غلط راہ پر تو نہیں جا رہا ہے.
जब आदमी अपने आमाल की निगरानी करता है, अपनी शख्सियत को मुख्तलिफ अंदाज से देखता है और अपने एक एक अमल को जिम्मेदारी के साथ करता है, तो उसके लिए निजात का सामान बहुत आसानी के साथ हो जाता है। इसलिए आप देखिए यहाँ भी कहा गया वत्तकुल्लाह लअल्लकुम तुफ्लिहून, उसके फौरी बाद कहा गया है कि वत्तकुन्नार अल्लती उद्दत लिल काफिरीन। तशरीह में मुफस्सिरीन ने यह बात बयान की कि जहन्नम तो हमने काफिरों के लिए तैयार की है, अगर तुमने काफिराना रविश अख्तियार की, बागियाना रविश अख्तियार की जो ईमान और इस्लाम के साथ मेल नहीं खाती है, तो जो सजा काफिरों के लिए तय कर दी गई वही सजा तुम्हारे जैसे सरकशों और नाफरमानों के लिए भी है। और दूसरी बात यह है कि आदमी गुनाह कबीरा करता है, मुसलसल करते रहता है, तो गया काफिराना जहनियत परवान चढ़ती है, बागियाना जहनियत परवान चढ़ती है और फिर आदमी ढीठ बन जाता है। नेकियों में कोई रगबत महसूस नहीं होती है, बुराइयों में मज़ा आता है, बुराइयों में आगे बढ़ता चला जाता है। इसलिए कहा गया कि उस आग से बचो, उद्दत लिल काफिरीन, जो काफिरों के लिए तैयार की गई है। अब इसके बाद देखिए आयत नंबर 132 में एक अहम मज़मून रब्बे कायनात ने बयान किया है। कुरान मजीद में इस मज़मून को कई जगह बार बार दोहराया है, एक अल्लाह की इताअत, दूसरे रसूल की इताअत, कई जगह ये मज़मून कहा गया है। अतिउल्लाह व अतिउर रसूल, अल्लाह की इताअत करो, रसूल की इताअत करो। हमारे लिए इस वक्त अल्लाह रसूल की इताअत का बेहतरीन जरिया कुरान और सुन्नत की पाबंदी है। अल्लाह की इताअत यानी कुरान मजीद को मजबूती से पकड़ लो, कुरान से वाबिस्ता हो जाओ, कुरान को पढ़ो, कुरान को समझो, कुरान के मजामीन पर गौर करो, कुरान की हिदायत पर अमल पैरा हो जाओ। जो अल्लाह ने कहा उसको तस्लीम करो, उसको अपनी जिंदगी में अख्तियार करो। और दूसरी सुन्नत, दोनों चीज़ें हमारे सामने मौजूद हैं। हज्जतुल विदा के मौके पर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मैं तुम्हारे दरमियान दो चीज़ें छोड़ कर जा रहा हूँ, जब तक तुम इन दोनों चीज़ों को मजबूती के साथ थामे रहोगे कभी गुमराह नहीं होगी। एक है अल्लाह की किताब कुरान मजीद और दूसरे मेरी सुन्नत, मेरा तरीक़ा, मेरा तर्ज अमल, मेरी सीरत, मेरे अकवाल, मेरे अफ़ाल, जो मैं कह रहा हूँ, जो मैं कर रहा हूँ, ये सब कुरान की तफसीर है, अव्वलीन तफसीर, बेहतरीन तफसीर, नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी है। एक बात हमको ये मिलती है कि सीरत निगारों ने नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को मुजस्सम कुरान कहा है, मुजस्सम कुरान। तो गया आप जो कुछ करते हैं कुरान के मुताबिक करते हैं, जो कुछ इरशाद फरमाते हैं कुरान के मुताबिक इरशाद फरमाते हैं, अल्लाह की हिदायत की रोशनी में आपकी पूरी ज़िंदगी है, आपका पूरा कैरेक्टर है। इसलिए कहा गया कि रसूल तुम्हारे सामने जिस चीज़ की गवाही दे रहे हैं, तुम आम इंसानों के सामने उसकी गवाही दो,
अपने कौल से अपने फेल से। इसलिए आपने सहाबा से पूछा, ऐ लोगों, क्या मैंने तुम सब तक अल्लाह का दीन पहुंचा दिया है? तो लोगों ने कहा कि या रसूल अल्लाह, आपने अपने कौल से इस दीन हक की शहादत दी है। तो फिर आपने फरमाया, जो हाजिर है वो गायब तक पहुंचे, उसके सामने गवाही दे। अगर एक आयत भी किसी को मालूम है वो मेरी तरफ से पहुंचा दे। बल्ले हो अन्नी बलव आया, मेरी तरफ से अगर एक आयत भी किसी को मालूम है तो वो पहुंचा दी जाए। तो बहरहाल इसमें बहुत तफसील से मजामीन बयान किए गए हैं। आयत मुख्तसर है, अतीउ अल्लाह व अतीउ रसूल लअल्लकुम तुरहमून। एक बात ये भी है, जो अल्फाज इस्तेमाल किए जाते हैं बड़े जामे हैं, पुरमग़्ज़ हैं और दिलनशीन हैं, मुतासिर कुल हैं, जाज़बियत लिए हुए हैं, हलावत लिए हुए हैं, एक पैगाम है अल्लाह की तरफ से और मुकम्मल हिदायत है अल्लाह की तरफ से, वादा है अल्लाह की तरफ से। उसने कहा कि लअल्लकुम तुरहमून, ताकि तुम्हारे ऊपर रहम किया जाए। मैं समझता हूँ कि हर इंसान की यह ख्वाहिश होती है कि अल्लाह की रहमतों का नुज़ूल हो, वो अल्लाह की रहमतों का हकदार हो, उसकी ज़िंदगी पर मुसलसल अल्लाह ताला का फ़ज़ल व करम और रहमतों का नुज़ूल हो, उसकी फजीलतों और बरकतों से वो फैज़ याब होता रहे। तो ये कायदा कुल्लिया के तौर पे बात कही जा रही है कि अगर तुम अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करोगे तो अल्लाह की रहमतें तुम पर नाजिल होंगी, रहमतों की बारिश होगी, तुम कभी जहमत में मुब्तला नहीं किए जाओगे, मुसलसिल रहमत तुम्हारे ऊपर नाजिल होगी। अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करो ताकि तुम पर रहम किया जाए। इसमें रहमत खुदाबंदी के लिए जिस तरह अल्लाह ताला की इताअत को ज़रूरी और लाजिम करार दिया है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत को भी इसी तरह लाजिम और ज़रूरी करार दिया गया है। और ये भी सिर्फ इसी आयत में नहीं है, पूरे कुरान में बार बार इसका तकरार इसी तरह है कि जहां अल्लाह ताला की इताअत का हुक्म होता है वहीं इताअत रसूल का भी ज़िक्र मुस्तकलन है। कुरान हकीम के ये मुतवातिर का मुसलसिल इरशादात एक इंसान को इस्लाम और ईमान के बुनियादी उसूल की तरफ मुतवज्जो कर रहे हैं। ईमान का पहला जुज अल्लाह ताला के वजूद, उसकी वहदानियत और उसकी बंदगी और उसकी इताअत का इकरार करना है। तो दूसरे जुज रसूल की तस्दीक और रसूल की इताअत है। अब यहाँ गौरतलब यह है कि कुरान करीम के इरशादात से ये भी साबित है कि रसूल करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम जो कुछ इरशाद फरमाते हैं वह सब अल्लाह ताला के हुक्म के मुताबिक होता है, अपनी तरफ से कुछ नहीं होता। कुरान करीम में एक जगह अल्लाह ने फरमाया, वमा यन्तिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वहयुन यूहा, यानी रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो कुछ बोलते हैं वो किसी अपनी ख्वाहिश से नहीं कहते बल्कि वो सब अल्लाह ताला की तरफ से वही होती है। इसका हासिल तो यह हुआ कि रसूल की इताअत अल्लाह की इताअत होती है, उससे अलग कोई चीज़ नहीं है। सूरह निसा आयत नंबर 79 में खुद कुरान ने इसकी वजाहत कर दी, मैं युति अल्लाह मैं युति रसूल मैं युति रसूल फ़कद अतवा अल्लाह, जिसने रसूल की इताअत की उसने अल्लाह की इताअत की। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि फिर इन दोनों इताअतों को अलग अलग बयान करने में फ़ायदा क्या है, खुसूसन इस एहतमाम के साथ पूरे कुरान करीम में दोनों इताअतों का साथ साथ हुक्म दिया जाता है। इसमें राज ये है कि अल्लाह ताला ने दुनिया की हिदायत के लिए एक किताब भेजी और एक रसूल, रसूल के ज़िम्मे ये काम लगाए हैं
अव्वल ये कि वो कुरान करीम की आयात ठीक उसी तरह उसी सूरत और लबो लहजे के साथ लोगों को पहुंचा दे जिस सूरत से वो नाजिल हुई है। दूसरी ये कि वो लोगों को जाहिरी और बातिनी गिलाजतों और गंदगियों से पाक करे। तीसरा ये कि वो इस किताब के मजामीन की तालीम को उम्मत को तालीम दे और उसके मकासिद को बयान फरमाए। कुरान मजीद में तकरीबन 4 जगह ये मजामीन हमको मिलते हैं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेसत के मकासिद 4 जगह एक आयत के ज़रिए से थोड़े से लफ्ज़ी फ़र्क के साथ बयान किए गए हैं। कहा गया यतलू अलैहिम आयातिहि वयुज़क्कीहिम वयुअल्लिमुहुमुल किताबा वल हिक्मा। खाने काबा की तामीर के वक्त हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने रब कायनात से जो दुआ की है उसमें भी यही दुआ जो है शामिल थी। रब्बना वबअथ फीहिम रसूलन मिनहुम यतलू अलैहिम आयातिक वयुअल्लिमुकुमुल किताबा वल हिक्मा वयुज़क्कीहिम। और दूसरी जगह अहले ईमान पर एक अजीम शान एहसान की शक्ल में उस मज़मून को बयान किया गया कि अल्लाह ताला ने तुम्हारे ऊपर ये एहसान किया है कि खुद तुम ही में से एक रसूल को बर्पा किया है जो ये और ये और ये फरीज़े अंजाम देता है। सूरह जुमा में भी इसी मज़मून को बयान किया गया है। मालूम हुआ कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फ़राइज़ मनसबी में सिर्फ इतना ही दाखिल नहीं है कि वो लोगों तक कुरान करीम को पहुंचा दें, इतना ही नहीं बल्कि उसकी तालीम भी रसूल के ज़िम्मे है। और ये भी जाहिर है कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुखातब अरब के फुसहा और बुलागा थे, उनके लिए कुरान करीम की तालीम के ये माने तो नहीं हो सकते कि महज अल्फाज कुरानी के लुग़वी माने उनको समझाए जाएं, क्योंकि वो सब खुद बखुद उनको बखूबी समझते थे। बल्कि इस तालीम का मकसद सिर्फ यही था और यही हो सकता है कि कुरान करीम ने एक हुक्म मुजमल या मुबहम अल्फाज बयान फरमाया है, उसकी तशरीह उसकी तफसील रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस वही के ज़रिए से लोगों तक पहुँचाई जो कुरान के अल्फाज में नहीं आई बल्कि अल्लाह ताला ने आपके कल्ब मुबारक में डाल दिए, जिसकी तरफ आयत कुरानी इन हुआ इल्ला वहयू यूहा में इशारा किया गया है। मसलन कुरान करीम ने बेशुमार मौके में सिर्फ अकीमुस्सलाह व आतुज़्ज़काह फरमाने पर इत्तेफाक किया है, कहीं नमाज के मामले में क़याम रुकू सुजूद का जिक्र भी आया तो वह बिल्कुल मुबहम है, इनकी कैफियत का जिक्र नहीं है। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हज़रत जिब्रील अमीन ने खुद आकर अल्लाह के हुक्म से इन तमाम आमाल और अरकान की तफसीली सूरत अमल करके बतलाई और आपने इसी तरह कौल व अमल के जरिए उम्मत को पहुंचा दिया है। यह है कुरान, इसका अमली नमूना रसूल की ज़िंदगी। लकद कान लकुम फी रसूलिल्लाह उसवतुन हसना, रसूल की ज़िंदगी में तुम्हारे लिए बेहतरीन नमूना है। ज़कात के मुख्तलिफ निसाब और हर निसाब पर ज़कात की मिकदार का तायुन, फिर ये बात कि किस माल पर ज़कात है किस माल पर नहीं है और निसाब में कितना हिस्सा माफ़ है, ये सब तफसीलात रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाई और उनके फरामीन लिखवा कर मुतअद्दिद सहाबे किराम के सुपुर्द किया। मसलन कुरान हकीम ने हुक्म दिया ला तअकुलू अमवालकुम बैनकुम बिलबातिल, आपस में एक दूसरे का माल बातिल तरीक़े पर नाहक न खाओ। अब इसकी तफसील के रायजुल वक्त मामलात बाई व शरा और अजारे में क्या क्या सूरत है, नाहक और बेइंसाफी या ज़रर ज़रर आवाम पर मुश्तमिल होने की वजह से बातिल है,
ये सब हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बइज़्न खुदाबंदी उम्मत को बतलाई। इसी तरह तमाम शराई अहकाम का भी यही हाल। तो ये तमाम तफसीलात जो आप हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने फ़र्ज मनसबी की अदाई के लिए बवली इलाही उम्मत को पहुँचाई, चूँकि ये तफसीलात कुरान करीम में मजकूर नहीं, इसलिए एहतमाल था नावाकिफ को यह धोखा हो कि यह तफसीली अहकाम अल्लाह ताला के दिए हुए अहकाम नहीं, इसलिए अल्लाह ताला की इताअत में उनकी तामील ज़रूरी नहीं। इसलिए अल्लाह ताला ने सारे कुरान में बार बार अपनी इताअत के साथ साथ रसूल की इताअत को लाजिम करार दिया है, जो हकीकत में तो अल्लाह ताला ही की इताअत है, मगर ज़ाहिर सूरत तफसीली बयान के अतबार से उससे कुछ मुख्तलिफ भी है। इसलिए बार बार ताकीद के साथ बतला दिया गया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हें जो कुछ हुक्म दें उसको भी अल्लाह ताला ही की इताअत समझ कर मानो, ख्वाह वो कुरान में सराहत मौजूद हो या ना हो। ये मसला चूंकि अहम था और किसी नावाकिफ को धोखा लग जाने के अलावा दुश्मनान इस्लाम के लिए इस्लामी उसूल में गड़बड़ फैलाने और मुसलमानों के इस्लाम के सही रास्ते से बहकाने का भी एक मौका था, इसलिए नबी करीम कुरान करीम ने इस मज़मून को सिर्फ लफ्ज़ इताअत रसूल के साथ ही नहीं बल्कि मुख्तलिफ़ अनवानात से उम्मत मुहम्मदिया को बतलाया। मतलब आपके फ़राइज़ में तालीम किताब के साथ तालीम हिकमत का इजाफा करके इस तरफ इशारा कर दिया कि अलावा किताब के कुछ और भी आपकी तालीमात में दाखिल है और वो भी मुसलमानों के लिए वाजिबुल इत्तबा, जिसको लफ्ज़ हिकमत से ताबीर फरमाया। कहीं इरशाद फरमाया लितु बज्जन लिन्नासि मा नुज़िला इलैहिम, यानि रसूल के भेजने का मकसद यह है कि लोगों के लिए आप पर नाजिल शुदा आयात के मतालिब और मकासिद और तशरीहात को बयान किया। और कहीं ये इरशाद है मा आताकुमुर रसूल फखुदूहु वमा नहाकुम अन्हु फन्तहू, यानि रसूल तुमको जो कुछ दे वो ले लो और जिससे रोकें उससे बाज आ जाओ। ये सब इंतज़ाम इसका किया गया कि कल को कोई शख्स ये ना कहने लगे हम तो सिर्फ उन अहकाम के मुकल्लफ हैं जो कुरान में आए हैं, जो अहकाम में कुरान में ना मिले, जो अहकाम कुरान में ना मिले उनके हम मुकल्लफ नहीं। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर गालिबन ये मुनकशिफ हो गया था कि किसी ज़माने में ऐसे लोग पैदा होंगे जो रसूल की तालीमात और तशरीहात से गुलू खुलासी हासिल करने के लिए यही दावा करेंगे कि हमें किताबुल्लाह काफ़ी है। इसलिए एक हदीस में सराहतन भी इसका जिक्र फरमाया जिसको तिर्मिज़ी, अबू दाऊद, इब्न माजा, बैहक़ी और मुस्नद अहमद ने अपनी अपनी किताबों में इन अल्फाज से नकल किया है। यानी ऐसा ना हो कि मैं तुमसे किसी को ऐसा पाऊँ कि वह अपनी मसनद पर तकिया लगाए हुए बेफिक्री से बैठे हुए मेरे अमरो नहीं के मुतालिक ये कह दे कि हमको हम उसको नहीं मानते, हमारे लिए तो किताबुल्लाह काफ़ी है, जो कुछ उसमें पाते हैं उसका इत्तबा कर लेते हैं। खुलासा यह है कि अल्लाह ताला की इताअत के साथ जगह जगह रसूल की इताअत का बार बार इरशाद और फिर मुख्तलिफ़ उन्वानात से रसूल के दिए हुए अहकाम को मानने की हिदायत, ये सब इसी ख़तरे के पेश नज़र हैं कि कोई शख्स ज़खीरा अहादीस में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बयान की हुई तफसीलात अहकाम को कुरान से अलग और इताअत खुदा से जुदा समझकर इनकार न कर बैठे। दूसरी आयत में मगफरत और जन्नत की तरफ मुसाबिकत और मुसारियात का हुक्म दिया गया है। इंशाल्लाह हम उसकी तफसील अगले दर्स में देखेंगे। एक चीज़ हमारे सामने बहुत खुलकर आ गई है, बहुत वाज़े लफ्ज़ों में आ गई है कि कुरान मजीद का जो अमली नमूना, अमली शक्ल अगर कहीं है तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में है। इसलिए हर अमल को करने से पहले ये देखा जाए कि कुरान करीम में इसके लिए क्या हिदायत है,
ये देखा जाए कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में क्या रहनुमाई है, जो कुछ आपने कहा, जो कुछ आपने किया, जो अमल आपके सामने हुआ उसको आपने पसंद फरमाया, जो अमल आपके सामने हुआ वो अगर नामुनासिब है तो आपने उसने मना फरमाया, यह सब के सब सुन्नत में शामिल है। इसलिए इस्लाम की यह बुनियादी चीज़ें हैं कुरान और सुन्नत, इससे वाबस्ता होना बहुत ज़रूरी है। आज एक नया फ़िरका वजूद में आ गया है अहले कुरान का, वो सुन्नत को नहीं मानता है, वो कहता है हिदायत रहनुमाई के लिए किताब काफ़ी है, सुन्नत की ज़रूरत नहीं है। अब कुरान की जो अमली शक्ल जैसा मैंने कहा वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है, अगर कोई सुन्नत का इनकार करता है तो फिर वो गुमराही के रास्ते पर चला गया। अब उसको हिदायत कैसे मिलेगी, कुरान के बहुत सारे अहकाम पर अमल कैसे कर सकेगा। इसलिए एक नया फ़िरका अहले कुरान के नाम से वजूद में आया और अहले इल्म हज़रात मुतासिर हो रहे हैं उनकी किताबें पढ़कर कि भाई हिदायत के लिए जब कुरान काफ़ी है तो फिर रसूल की सुन्नतों की क्या ज़रूरत है। ये एक गुमराही है, ये तबाही का रास्ता है, हमें ख़बरदार होना चाहिए। इसलिए मैं अक्सर कहते रहता हूँ कि हमें कुरान का मुताला करना चाहिए, अहादीस का मुताला करना चाहिए, सीरत का मुताला करना चाहिए और इस पर बड़े पैमाने पर लिटरेचर फराहम कर दिया गया है। दुनिया में जितने मज़ाहिब पाए जाते हैं आपको इतनी तफसील के साथ, इतनी बारीकी के साथ किसी मज़हब में तालीम नहीं मिलेगी जितनी बारीकी के साथ, जितनी वजाहत के साथ, जितनी शरह बसत के साथ इस्लाम की तशरीह हमको मिलती है। कुरान की तफसीरें बेशुमार हैं, हदीस पर बेशुमार किताबें, सियाह सित्ता हैं। उसके बाद हदीस की शुरू है, उसकी तफसीलात हैं, फिर उसकी रोशनी में फ़िक़्ह की तदवीन है। हमारे फुकहा ने बड़ी अरकुरेज़ी के बाद कुरान सुन्नत की रोशनी में सहाबा किराम की ज़िंदगी को सामने रखते हुए मसाइल को अख़्ज़ किया है, इस्तंबात करके मसाइल का हल निकाला है और इज्तिहाद करके नए नए जो मसाइल इंसानी ज़िंदगी में पेश आते रहे हैं और अभी और पता नहीं कितने नए मसाइल इज्तिहाद तलब होंगे, तो उसमें बहरहाल यह कुरान सुन्नत बुनियाद है, हमें इसको सामने रखना चाहिए और दोनों की गहरी स्टडी करनी चाहिए। जब तक इनकी गहरी स्टडी ना हो सही मानों में हम इस्लाम का इल्म हासिल नहीं कर सकते हैं। इसलिए कुरान और सुन्नत और फ़िक़्ह तीनों का गहराई के साथ मुताला हो। अल्लाह से दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला मुझे, आपको और सारे मुसलमानों को इस बात की तौफीक दे और सब मिलकर एहतिसाम बिल्लाह, एहतिसाम बि हब्लिल्लाह की जो तालीम इससे पहले की आयात में दी गई हैं उसका पूरी तरह तकाज़ा अदा किया जाए, हम उससे वाबस्ता हों और उसको समझें, उसको पढ़ें, उस पर अमल करें, उसके मुताबिक अपनी ज़िंदगी की तामीर और तश्कील करें तो दुनिया की ज़िंदगी भी कामयाब होगी, आखरत की ज़िंदगी भी कामयाब होगी। वा आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।